नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां घटो थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव में दहेज लोभी ससुराल वालों के द्वारा एक नवविवाहिता को 3 बच्चों सहित घर से बेघर कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत पीड़ित नवविवाहिता ने महिला थाना को आवेदन भी दिया है। महिला थाना समस्तीपुर को दिए गए आवेदन में पीड़िता ने पति सहित कुल 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। महिला थाना को दिए आवेदन में पीड़िता अजनसिया देवी ने बताया है कि वर्ष 2019 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसकी शादी सरायरंजन प्रखंड क्षेत्र के मानिकपुर गांव निवासी भोला सहनी के पुत्र से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन शादी के 3 साल बाद उनके ससुराल वाले उनसे दहेज में 3 लाख रुपए देने की मांग करने लगे। जब उन्होंने दहेज के रुपए देने से मना कर दिया तो उनके ससुराल वालों ने उसे उसके 3 बच्चों सहित मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने पति सहित ससुर भोला सहनी, सास ललिता देवी, ननद रूपम कुमारी व निशा देवी के खिलाफ महिला थाना को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर महिला थाना अध्यक्ष पुष्पलता ने बताया कि पीड़िता ने ससुराल पक्ष के कुल 5 लोगों को नामजद करते हुए आवेदन दिया है। मामले की पड़ताल की जा रही है, पीड़िता को उचित न्याय दिलाया जाएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार सर, 3 साल पहले हम शादी किए और अभी कह रहे हैं जो हम तुमको भी रखेंगे, तुमको भी रखेंगे। हाँ। और हमसे शादी करके किसी और से शादी कर रहा है। हाँ, एगो बउआ भी है 7 महीना का। हाँ, हाँ रहते हैं। जैसे 5 दिन पहले मेरे पास आके फिर से गए हैं। हम डी बिचौली रहते हैं मायके में। मेरी मम्मा है, पापा है, भाभी है, भाई है, दादा है। हमसे पैसा मांग रहे हैं तिलक के लिए। अगर 2-3 लाख रुपया देवी तब तो हम रखेंगे। अच्छा। नहीं रखेंगे, उनका पापा बोल रहे हैं।